जहाँ खड़े हैं, ये मंजू सिनेमा है, ये मेलनगंज में पड़ता है, और ये घंटाघर की तरफ से सड़क आती है और ढोलेवाल की तरफ जाती है, और लोग हमको अक्सर कहते रहते हैं, यार हमारे को दिखा दो ये सिनेमा, दिखा दो वो सिनेमा, दिखा दो। यार सिनेमा दिखाना कोई आसान काम है? सिनेमा दिखाने से पहले लोग हमको देखते हैं, यार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम अभी बाबू के पास गए थे, यार मैंने कहा दो छोट लेने, अंदर के लोपी के कहता यार नहीं नहीं हम नहीं, कहता बाहर से ही ले लो। हम मैंने कहा बाहर से तो कोई भी ले सकता है, ऐसी दीपक सिनेमा में हुआ था। पता नहीं क्या ऐसी बात है कि ये लोग अंदर से शूट नहीं करने देते, लेकिन बाहर से हम दिखा रहे हैं। यार आप लोगों की ज़्यादा हैं, आप लोगों ने कभी फिल्म देखी होगी इस सिनेमा हॉल में, तो देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये है मंजू सिनेमा, और ये भी पुराना सिनेमा है जहाँ बना हुआ है, 40-50 साल से ऊपर हो गए इसको भी, जो जहाँ पर नौजवान फिल्म देखने के लिए आते थे वो भी 60-70 साल के हो गए होंगे अब, और ब्रह्म अस्त्र फिल्म लगी हुई यहाँ पर। यहीं से दिखा देते हैं भैया, बाहर से भी देख लो, ये मंजू सिनेमा है, आप लोग जहाँ कभी फिल्म देखने के लिए आते थे। तुमने देखा कभी फिल्म इधर? तुमने देखा कभी फिल्म इस सिनेमा हॉल में? हाँ जी देखा है। कि कौन कौन सा फिल्म देखा तुमने? देखा है, दो तीन फिल्में देखा है इस पे, खेसारी लाल का और उसका पवन सिंह का। अच्छा, हाँ जी देखा फिल्में आपने? हाँ जी। तो अच्छा तुम भी ये काम करते हो निकालने वाला? हाँ चलो अभी देखते हैं, अभी दो मिनट में पहले अभी इधर दिखा देते हैं हम लोग। और ये देखिए जहाँ टिकट का भी रेट लिखा भैया, बाहर से दिखा दे कैमरे से, हमारा जूम है, बड़ा कैमरा हमारे पास, दिखा दे 50 रुपये और 70 रुपये टिकट है। पहले 2 रुपये होती थी, 3 रुपये होती थी, और देखिए झंडियाँ भी लगा रखी हैं लोगों ने। और की हाल है तेरा? की हाल है? बड़ा बढ़िया है, बढ़िया चाहिए यार। इधर आए देखिए, ये है मंजू सिनेमा, इधर से दिखा दे यार, बाहर से ये दिखाइए। अरे यार लाइन में लग के यहीं फोटो लेते थे ना टिकट लोग, जब धक्का मुक्की होती थी इधर ही होती थी। ये है थोड़ा सा जगह, मेलनगंज के जो लोग थे ना इसी जगह फिल्म देखने के लिए आते थे जहाँ पर, और ये सब हॉल पूरे भरे होते थे। उधर आया थोड़ा सा, 4-5 लोग उधर खड़े हैं, जरूर उधर पूछ लेते हैं किसी से, क्या तू सिनेमा हॉल दिखाता रहा यार। ये है मंजू सिनेमा दोस्तों, देख लो। दिल्ली से फ़ोन करते हैं मेरे को, भाई साहब को यार मेरे को सभी सिनेमा हॉल दिखा दो। मैंने कहा यार दिखाने को तो हम दिखा देते हैं, इधर सिनेमा हॉल दिखा दो, दुनिया को क्या दिखाएगा इधर, बाद में पूछ लेते हैं किसी से। ये देखिए सिनेमा हॉल, जब मंजू सिनेमा है, ढोलेवाल चौक के पास है, और आगे मिलिट्री कैंप भी है, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर लोहे का काम होता है। चलते चलते हम जहाँ पहुँच गए, पहुँचे तो नहीं यार, हम स्पेशली आए हैं जहाँ पर, और कोई बस आगे जारी फोटो। और देखिए दो सामने ढोलेवाल था, अब तो जहाँ ब्रिज बन गया, पहले ढोलेवाल चौक अपना रेलवे क्रॉसिंग होती थी, इधर ढोलेवाल चौक था। ये बैंक बना हुआ है यहाँ पे, और ये सिनेमा हॉल का इधर से व्यू दिखा दे भैया नवजोत, इधर सिनेमा हॉल ही दिखा दो पीछे से बस। ये भैया सिनेमा हॉल मंजू सिनेमा, अंदर कुछ नहीं है, बस लॉबी बनी हुई छोटी सी, बाकी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। जहीं से अपनी जो ज़्यादा हैं ताज़ा कर लीजिए आप, जहीं से बैठ के सोच लीजिए, कभी हम भी आते थे जहाँ फिल्म देखने के लिए, धक्के खाते हुए धक्के मारते हुए चले जाते थे। धर्मेंद्र की देखी होंगी, जितेंद्र की देखी होंगी, शत्रुघ्न की देखी होंगी, राज कपूर की देखी होंगी, राजकुमार की देखी होंगी। यही तो वो सिनेमा हॉल है जहाँ पर फिल्में लगती थी और आज भी लग रही हैं। बहुत सारे सिनेमा हॉल टूट फूट चुके हैं, कुछ ही बचे हैं, जो बचे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की सोच नहीं बदली, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। की हाल है? और ठीक है? और मैं क्या फिल्म सिनेमा देखने की देखी कभी फिल्म ऐसी नहीं देखी तू तो अपने देखी नहीं टाइम दे नहीं, नहीं। जो मुंडे जड़े ने हूँ जो 50-60 साल वाले उन्होंने देखी होनी है, 25-30 साल वाले ने देखी है फिल्म। हाँ हूँ तो समय जोड़ा है बना, हाँ जी दोबारा चलता पाया जनाब। हाँ मैं दिखा रहे थे कई बार लोग कहते यार सानू सिनेमा हॉल दिखा दो। हाँ जी कड़ी खराब पी पानी डेढ़ा खड़ा पोलो सामने देखो। अच्छा उत्थे भी जाके आवेंगे, पोलो भी जावे। हाँ उत्थे भी जावे, अभी पहले सिनेमा हॉल दिखा दिए भैया, देख लो जो बाहर से देख लो यार,
वो दिखा, इधर से भी दिखा दे, बाहर के सीन भी दिखा दे, वो दीवारों पे लगा, दीवारों पे। ये भैया देख लो, ये है मंजू सिनेमा हॉल। चलते चलते यहाँ पर अभी कोई लोग तो मिले नहीं, जहाँ पर हमें जो अब जब बता सकें कि यहाँ पर हमने ये फिल्म देखी है, क्योंकि नौजवान जो 30-35 साल वाले हैं उनको तो छोड़िए, 50-60 साल वाले बताएंगे जो इस इलाके में रहते थे, जिन्होंने जहाँ पर फिल्म देखी है। आगे देख लेते हैं, कोई मिल गया तो ठीक है भैया। बस ये आजकल PVR में चलते हैं, जहाँ मॉल वगैरह बने हैं वहीं पर सिनेमा हॉल चलते हैं। चलिए देखिए, हमें कोई नहीं मिला यहाँ पर, कुछ लोग दुकान वगैरह होते हैं तो मिल जाते हैं, जहाँ इंडस्ट्री थी, बड़े बड़े कारखाने थे, और ये मंजू सिनेमा बना हुआ है। घंटाघर से टांगा चलता था, घंटाघर टांगे में बैठकर लोग जहाँ फिल्म देखने के लिए आते थे यार, वो टांगे वाला समय और टांगे वाला ज़माना, वो घोड़ा गाड़ी वाला ज़माना, उस वक्त का ये सिनेमा हॉल जहाँ बना हुआ है, और उस समय घंटाघर की तरफ जो लोग आते हैं, ढोलेवाल मांझू वैसे बोलते थे, ये गाली भी बनती है, लेकिन ढोलेवाल का पुल, जो ढोलेवाल का चौक और ये मंजू सिनेमा, अब बस नाम ही रह जाएंगे। वो सामने सरदार जी हैं, प्रीत ट्रैवल वाले, कोई हमें मिल जाए ना, सीनियर सिटीजन कोई आदमी मिले तो हमें उससे पूछेंगे, यार फिल्म आपने देखा या नहीं देखा इधर। और सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? अच्छा, असं भी थोड़ा सिनेमा हॉल देखने लिए आ गए। नहीं नहीं, तुसा तो फिल्म देखी होनी कि नहीं देखी होनी कोई इतने? नहीं, कहते असं नहीं देखी कोई। चलो भैया, बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, आप लोगों किसी ना किसी से मुलाकात करवा दें, लेकिन कोई मिलता ही नहीं तो क्या करें यार। चलिए इधर आ जाओ फटाफट, बड़ा भाग के पीछे भी लोगों को जाते हैं हम लोग। अभी लोग बोलना सीख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के, अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर इनको अवेयरनेस होती हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, तो हम आज कहीं के कहीं पहुँचे होते। लेकिन सोच बदलो, समाज बदलेगा। हम यही स्लोगन लेकर निकले हैं, और आज हमने आपको मंजू सिनेमा दिखाया जो लुधियाना शहर में है, 50-60 साल लोगों से बने हुए। धन्यवाद।